इजाजत का मंतजर है। शहजादे क्या जख्म धोए नहीं जाएंगे? ये जख्म नहीं फूल है दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बाहर की रुसवाई है। सुनो, ये कातिल भी नहीं दिलदार भी है, ये शाखे गुल भी है तलवार भी है। जो मिजाज 14 बरस तक खून की वर्षा में नहाता रहा, वो आज भी कविता में रचा हुआ है। कितनी हैरत की बात है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं, अगर उमर खय्याम की रुबाई सुनहरे वर्क की जगह पथरीली जमीन पर लिख दी जाए तो क्या उसके माने बदल जाएंगे? तो फिर तुम्हारे महाबली ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है गलत ही सोचा। हमें देखकर ये कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहेब आलम। क्यों? तंगतराश का यह दावा है कि जब ये मुजस्मा बेनकाब होगा तो। बेखौफ होकर कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका यह दावा है कि इस मुजस्मे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर उसके कदमों में रख देगा। संगतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है, हम उसके फन का गुरूर देखना चाहते हैं। महाबली का ये हुक्म है कि साहेब आलम इस मूर्ति को न देखे। क्यों? राज जोशी का ये कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शगुन होगा। नकाब कुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी। संगतराश का दावा, राज्योच्छी का शगुन और इस मुजस्मे पर पड़ी हुई नकाब, हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे दुर्जन? संगतराश का दावा यकीनन सही था, बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताब पत्थर ही ला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने को दिल चाहता है। साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, मगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके चुपके, आह भरना घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। तुम्हारा ख्याल इस फूल का मुस्तहक है। तुम्हारा नजरिया ये है नारकली कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे हिस्से में ये कांटे आए हैं। सही नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। बहार, शमा के सीने में क्या होता है? रात की खामोश दास्ताने और कुछ राज। यही सबब है कि सुबह होते ही हर शमा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। तुमने भी एक राज जानने की कोशिश की है, तुम्हें भी खामोश करने की यही सूरत होगी। अब तुम जा सकती हो। साहिब आलम, पहले कभी किसी ने अकबर आजम को अपने अटल फैसलों से पलटते नहीं देखा। अनारकली की आजादी शहंशाह की शिकस्त है। ये शिकस्त नहीं, सबूत है इस बात का दुर्जन। एक शहंशाह के सीने में एक दर्दमंद इंसान का दिल भी है। आज पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान का वलीअहद ही नहीं बल्कि एक रहमदिल बाप का बेटा भी हूँ। अनारकली को आजाद करके उन्होंने मेरी मोहब्बत पर एहसान किया है। आपकी मोहब्बत पर नहीं साहिब आलम, किसी की बेवफाई पर एहसान किया है। किसकी बेवफाई? इन जंजीरों से पूछिए। हम तुमसे पूछते हैं। आपकी अनारकली की नाजुक गलाइयां कैदखाने की भारी जंजीरों का बोझ नहीं उठा सकी, और उसने इनके बदले बिले लाही से सोने के कंगन ले लिए। इसका सबूत? अनारकली की आजादी, इनाम में जागीरें, आज रात जश्न नवरोज में उसका नाच, और नाच के बाद महल से हमेशा के लिए रुखसत होने का इकरार। ताखलिया, तुम यही ठहरो। आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तू बनी हुई थी, और उसके साथ ही तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर राख हो गया जिसे पहनकर तू मेरे सामने इतराती फिरती थी। अनारकली, जिसे कैदखाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा दिया। तगाबाज कनीज तू अनारकली नहीं, उसका नाम चुरा कर कैद खाने से भाग आई है, तो मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुजदिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, एक छोटी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। तो शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया।
Thank you.